खरगोन जिले में ठिठुरती ठंड में खनिज अधिकारी सावन चौहान ने सुलगांव के अवैध खनन माफियाओं पर कार्यवाही की है। उत्खनन माफिया गाड़ियां छोड़कर भाग निकले, मगर अवैध खनन और परिवहन करते हुए पोकलेन 5 डंपर जब्त किए। जानकारी के मुताबिक अवैध खनन और परिवहन करते एक पोकलेन 2 पानी के इंजन 5 डंपर को जब्त किया गया है। खनिज विभाग को सुलगांव में नर्मदा नदी किनारे पर अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिस पर विभाग ने छापामार कार्यवाही की है। मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के सुलगांव में नर्मदा नदी किनारे से अवैध बालू उत्खनन कर बालू चोरी करने को लेकर खनन विभाग की ओर से रविवार रात 12:30 बजे बड़ी कार्यवाही की गई है। टीम ने एक पोकलेन 2 पानी के इंजन 5 डंपर को जब्त किया है। इतनी बड़ी कार्यवाही के बाद जिले में बालू माफिया में हड़कंप मच गया है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सर, आज रात को जो कार्रवाई हुई है, इसमें कितने वाहन जब्त किए हैं? सर, सुलगांव में रात में हमको रेत उत्खनन की सूचना मिली थी, तो हमने 2-3 जगह से पूरी टीम के साथ हमने दबिश दी, तो इसमें हमको एक पोकलेन और 5 डंपर मिले जो रेत का उत्खनन कर रहे थे, उनको सभी को हमने जब्त कर लिया है और थाना मंडलेश्वर में हमने उसको अभिरक्षा में खड़ा कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।